देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे, मैं जीशान जावेद आपके साथ। रीवा जिले में जंगल राज, बगैर पैसा दिए नहीं होता राजस्व विभाग में कोई काम। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों पर लगाए आरोप। हमारी मजबूरी है, जनता के लिए हम कल से सड़कों पर उतरेंगे। रीवा जिले में जंगल राज, बगैर पैसे दिए नहीं होता राजस्व विभाग में कोई काम। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कलेक्टर सहित तमाम अधिकारियों पर लगाए आरोप। हमारी मजबूरी है, जनता के लिए हम कल से सड़क पर उतरेंगे। रीवा जिले में है जंगल राज, राजस्व विभाग में नहीं कर रहा कोई सुनवाई। वकील उतरेंगे सड़क पर, करेंगे धरना प्रदर्शन। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष राजेंद्र पांडे का पत्रकार वार्ता के दौरान ऐलान। सरकार में कोई नहीं है, जंगल राज है, जिसका जो मन पड़ रहा है रीवा जिले में कर रहा है। हमारी मजबूरी है, हम यह बात उठाएं, ना सुने तो सड़क पर उतरें। रीवा में क्या हो रहा है आप सब जानकर चकित रह जाएंगे, उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा। तहसीलदार को रिश्वत ना दो तो सामान्य मामले में भी 3 की जगह 6 महीने लग जाते हैं। रीवा जिले का कोई नहीं है माई बाप। राजेंद्र पांडे ने जिला प्रशासन पर जमकर लगाए आरोप। उनका साफ तौर से कहना था, कलेक्टर को नहीं मालूम कोर्ट में बैठना भी है उनके जिम्मेवारी। रीवा जिले की व्यवस्था और यहां पर पदस्थ कलेक्टर, एसडीएम, नायब तहसीलदार की कार्य प्रणाली पर जमकर सवाल उठाते हुए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने कहा, 1 साल से रीवा का कोई माई बाप नहीं। कलेक्टर मनोज पुष्प को शायद यह नहीं मालूम उन्हें नेताओं के पीछे घूमने के अलावा कोर्ट में भी बैठना है। कलेक्टर पर निशाना साधते हुए पांडे ने कहा, कलेक्टर मनोज पुष्प ने रीवा में एक नई प्रथा शुरू की है, वह प्रथा है, उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, यतीश शुक्ला को 6 पटवारी हल्के का नायब तहसीलदार बनाकर। यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार इसलिए बनाए गए कि कलेक्टर के बच्चों की फीस यतीश शुक्ला जमा करते हैं। श्री पांडे ने कहा, बनकुइया और गुड़ सर्किल में पहले से ही नायब तहसीलदार हैं, लेकिन जबरदस्ती यतीश शुक्ला को पदस्थ कर एक नई उत्पत्ति की गई है। अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष ने डिप्टी कलेक्टर शैलेन्द्र सिंह और एसडीएम पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, एसडीएम कार्यालय में वजन के हिसाब से फैसले होते हैं, ऐसा लगता है कि एसडीएम किताब पढ़ना ही नहीं चाहते, नियम कुछ कहता है और एसडीएम के फैसले कुछ होते हैं। राजेंद्र पांडे ने कहा, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था चौपट है, जिसके चलते आम जनमानस से लेकर अधिवक्ता तक परेशान है। सुनिए अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष जिला राजेंद्र पांडे क्या कुछ कह रहे हैं। राजस्व न्यायालयों की हालत बड़ी खस्ता है, सब अधिकारी गैर जिम्मेदार हैं, लापरवाह हैं, शासन के नियमों से उनको कोई लेना देना नहीं है। आम आदमी और अधिवक्ता सब परेशान हैं और ये सिस्टम पिछले लगातार साल भर से चल रहा है। भाग्य से वो रीवा के पढ़े लिखे यहीं हमार रहे हैं और यही पोस्टेड भी है, तो शायद ही कोई वकील बचा हो जिसे वो बदतमीजी से पेश ना आए। वो आदमी कितने बातें नहीं करते और कई बार उनके खिलाफ शिकायतें भी हो चुकी है, लेकिन अब क्या कहें मध्य प्रदेश की सरकार को कि घूम फिर के वो रीवा भेज देते हैं उनको। और किसी दिन बहुत गंभीर अप्रिय घटना हो जाएगी, अब इस संबंध में भी हम लोग कल कमिश्नर को बताएंगे कि इसमें जो करना हो आप जल्दी करो, नहीं तो हम लोग अगर करेंगे तो फिर मामला कुछ ज़्यादा बढ़ जाएगा। रेवेन्यू सर्किल में या उप तहसील में नायब तहसीलदार की पदस्थापना होती थी, हुजूर तहसील में एक नायब तहसीलदार है यतीश शुक्ला, वो 6 पटवारी हल्के के नायब तहसीलदार, केवल 6 पटवारी हल्कों के नायब तहसीलदार। आप लोग जानते हैं क्यों? क्योंकि कलेक्टर के बच्चों की फीस जमा करनी, और जब कुछ मिलेगा नहीं तो वो जमा नहीं करेंगे। तो 6 पटवारी हल्कों का उनको तहसीलदार बनाया है रीवा कलेक्टर ने, और नहीं तो उनसे पूछे कि 6 पटवारी हल्कों का तहसीलदार MP, LRC, RBC में लिखा कहाँ है कि बनाया जाना चाहिए।
रेवेन्यू सर्किल में बनाइए, तो पहले से तो नायब तहसीलदार है वहाँ गोविंद रोड बनकुइया में, पर ये तीसरी उत्पत्ति कर दी उनने। यतीश शुक्ला नायब तहसीलदार हो गए 6 पटवारी हलकों के। अब आपको मैं अपने SDM का एक उदाहरण बताता हूँ। हमारे SDM साहब रेंट कंट्रोल अथॉरिटी के अधिकारी भी हैं, तो SDM साहब के आप एक बिल्डिंग जानते होंगे कला मंदिर के सामने लक्ष्मण बिल्डिंग कहलाती है, उसमें रोड साइड में 10 दुकानें हैं, सबने देखा होगा, जो लक्ष्मण प्रसाद जी के लड़कों को मिली है। एक बेटे ने 2 दुकानों का किराया बढ़ाने का आवेदन दिया, उनने अच्छा खासा लेन देन हुआ, तो उसका मंथली किराया 25,000 रुपये महीने फिक्स किया SDM रीवा ने। दूसरे भाई ने भी लगाया ठीक बगल वाली दुकानों का, कि साहब उनका 25,000 किया तो हमारा भी कर दीजिए, लेकिन उनने दिया ही नहीं कुछ, तो उनका किराया महीने में 4,000 रुपया महीना इसी SDM ने फिक्स किया है। इसको चैलेंज रेवेन्यू माने रेवेन्यू के आदेश को चैलेंज सेशन कोर्ट में ना हो सके, 28/4 को आर्गुमेंट हुआ, 28/5 पर ऑर्डर किया और डेट डाली 28/4 की, टाइम लिमिट खत्म। अब उसकी कोई अपील भी नहीं होगी, रिवीजन भी नहीं होगी। रिश्वत ना दो तो ऐसा निपटाते हैं कि ऊपर से नीचे तक कोई रास्ता छोड़ो ही नहीं। अब लगातार इसमें अधिवक्ता भी परेशान है, क्योंकि अधिवक्ता के सामने क्लाइंट है, क्लाइंट आता है बार बार, साहब आपने अपील कर रखी है इसमें कुछ होता नहीं, और दूसरी पार्टी हमको बेदखल की दे रही है। इतने सारे अधिवक्ताओं ने हमारी कोर्ट के लगभग 1,000 अधिवक्ताओं ने सिग्नेचर करके दिया है, मैं लिख के कई बार भेज चुका हूँ, ना कलेक्टर के कान में जू रही थी ना किसी के कान में जू रही थी। अब कल हम इस संबंध में ज्ञापन कमिश्नर को 3 बजे सौंपेंगे और इसकी सबकी कार्रवाई की सूचना बल्लभ भवन में जो बैठे हैं जो चुनाव की तैयारी में व्यस्त है उनको बताएंगे कि आपकी तैयारी रेवेन्यू डिपार्टमेंट अच्छी तरह से यहाँ कर रहा है, इसके लिए हमने आपको बुलाया। अगर फिर भी कुछ कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती तो उसके बाद क्या करेंगे? जो हमेशा करते हैं वही करेंगे, सामने खाली है मैदान सड़क, फिर चालू हो जाएंगे। काम तो कुछ है नहीं, इनको सुनना है नहीं, तो हम तो वैसे ही खाली हैं, तो झंडा डंडा लेके बैठ जाएंगे और क्या। रकम कितने बनवाए पेंडिंग होंगे? एक भी निपटे ही नहीं। कितने होंगे लगे कितने? आप ये समझ लो कि 5,000 के ऊपर होंगे केवल रीवा में, सारी कोर्टों का आप जोड़ लो। और जो भी फैसले हो रहे हैं तो आप ये मान लो कि निश्चित इसमें कुछ ना कुछ हुआ है, विशेष इंटरेस्ट है तभी फैसला हुआ है। जनरली हमारे यहाँ एडिशनल कमिश्नर है, प्रॉम्प्ट है, बैठते हैं, सुनते भी हैं, पता नहीं कौन सी बीमारी है, इस्टे नहीं देंगे। हाँ आपके साथ अन्याय हुआ है, गलत हुआ है, आपके साथ नहीं होना चाहिए, देखिए साहब हम इस्टे तो नहीं देंगे। इस्टे न देने की बीमारी कहाँ से लग गई ये समझ में नहीं आता, तो हमने कहा 52 हटवा दीजिए MBLRC से। इस्टे देने की धारा इसमें है, सरकार को कहिए कि 42 कर दे इसको, आज तक किसी प्रकरण में उसने स्टे नहीं दिया। अब मान लीजिए अर्जेंसी है, किसी को किसी ने ले दे के उसके खिलाफ गलत फैसला कर दिया, SDM के खिलाफ वो कमिश्नर के यहाँ गया, जिस अपील को लेके वो गया वो स्टे न देने का नहीं वर्चुअल हो जाएगी, पर एडिशनल कमिश्नर ने कसम खा रखी है कि स्टे नहीं देंगे, बैठते हैं सुनते भी हैं, कमिश्नर भी सुनते हैं, जो उनका डेट फिक्स है दिन तय है उसमें बैठते हैं, पर हमारे एडिशनल कमिश्नर को पता नहीं कौन सी एलर्जी है कि स्थगन नहीं देंगे।